हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। और आज की वीडियो में हम कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के वो क्वेश्चंस जो नीट 2019 के अंदर पूछे जा चुके हैं। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स आते हैं और हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो टोटल जो आपके 7 चैप्टर हैं वहाँ से 14 क्वेश्चंस आए हैं नीट के अंदर। ओके, तो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो चैप्टर है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सीक्रीशन प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स। हमें कौन सी चीज़ है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को वेरियस एंजाइम से बचाती है, कौन से सेल्स इसमें मदद करते हैं? तो यहाँ पे लिखा गया है गोबलेट सेल, ऑक्सेंटिक सेल, ड्यूओडेनल सेल्स या चीप सेल्स। ओके, तो ये जो है वो प्योर एनसीईआरटी ही क्वेश्चंस है। ओके, और इसका आंसर भी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप पेज नंबर 263 पे जाते हो तो वहाँ पे साफ साफ एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथीलियम हैज गोबलेट सेल्स। ओके, आगे लिखा हुआ है विच सीक्रेट म्यूकस, फिर उसके बाद दो लाइनें छोड़ के फिर आगे लिखा हुआ है द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पेनक्रियाज प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम। तो ये जो गोबलेट सेल्स होता है ये सक्कस एंटेरिकस बनाता है कुछ बाइकार्बोनेट के साथ मिलके, और यही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बहुत सारे एंजाइम से बचाता है। ओके, जो क्या बनाता है, म्यूकस बनाता है। जो नीट 2019 के अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से जो सेकंड क्वेश्चन आया है ये भी प्योर एनसीईआरटी ही है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स, यानी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है कुछ और ये ऑर्गन्स के नाम है, तो यहाँ पे मैच द कॉलम करना है। सबसे पहले इनका आता है क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुहन। तो जो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुहन इन्होंने पूछा है कि कहाँ पे पाया जाता है, तो जो आपका क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुहन है वो जो आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई बोलते हैं बिल्कुल उसके पास पाया जाता है। तो ये जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाई कहाँ पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ए का थर्ड, तो ए का थर्ड यहाँ पे दो ऑप्शन है। फिर इन्होंने बोला है ग्लाइसोन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो ग्लाइसोन कैप्सूल है ये लीवर के अंदर पाया जाता है, ये भी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। तो जो बी जाता है वो किसके साथ चला जाता है, फोर्थ के साथ। तो वैसे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है लेकिन हम आपको बाकी बता देते हैं। फिर आता है आइसलेट्स ऑफ लेगरहंस। जो आइसलेट्स ऑफ लेगरहंस है ये आपके 22 चैप्टर जो है हॉर्मोन्स वाला वहाँ पर लिखा हुआ है दैट आइसलेट्स ऑफ लेगरहंस इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाज। ओके, तो ये है तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ ये कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है, 22 चैप्टर के अंदर। ओके, तो हमारे तीन जो है वो मिल चुके हैं। तो हमारा जो बर्नर ग्लैंड्स है वो किसके अंदर पाया जाता है, ड्यूडेनम के अंदर, ये भी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है बर्नर ग्लैंड्स वाला। ओके, तो इसी तरह हमारा जो आंसर आता है वो यहाँ से आ जाता है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। यहाँ से हम जो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं वो है द टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 मिलीलीटर एंड 1000 मिलीलीटर रिस्पेक्टिवली। यानी उन्होंने कहा जो टाइडल वॉल्यूम है एक एथलीट की वो है 500 मिलीलीटर और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो कितनी है, 1000 मिलीलीटर है। वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 मिलीलीटर। ये कह रहे हैं कि उसकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी अगर उसकी रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो 1200 मिलीलीटर है। देखिए इसी तरह लॉजिकल क्वेश्चन को आपने कितना, आपका कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पे घुमाया गया ये जो लाइन है रेजिडुअल वॉल्यूम, इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है वो होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाती है आपकी क्या, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो अगर हम 1000 प्लस 500 करते हैं तो हमें मिलता है 1500। ओके, यानी 1500 मिलीलीटर। ओके, तो ये प्योर एनसीईआरटी है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर बोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर एयर बोर्न जो एलर्जी वगैरह है, पोल्यूटेंट्स वगैरह बढ़ जाते हैं अर्बन एरियाज में तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आ जाते हैं, इसका रीजन क्या है। ओके, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए इन्होंने। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स,
proliferation of fibrous tissue and damage of the alveolar wall, reduction in the secretion of surfactant by pneumocytes, and D इन्होंने दिया है that benign growth on mucus lining of nasal cavity. ये भी प्योर NCERT ही क्वेश्चन है. देखिए ये दो जगह से मिलाया गया, ये वाला जो मिलाया गया ना, ड्यू टू इंक्रीज एयरबोन एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन अर्बन एरिया सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से एलर्जी से लिया गया है. इसका मतलब होता है अस्थमा. ये सिंपल किसको बता रहे हैं, अस्थमा डिसऑर्डर को बता रहे हैं. इतना तो यहाँ से ले लिया उन्होंने. फिर आगे लिखा है कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू, तो ये जो अस्थमा है, अब इस चैप्टर के अंदर जहाँ पे डिसऑर्डर दिए हुए हैं बिल्कुल लास्ट में चैप्टर के, वहाँ पे अस्थमा में दिया हुआ है. अस्थमा इज ए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, क्योंकि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, किससे, अस्थमा के अंदर. ओके, और नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा 18 चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यहाँ से भी इस चैप्टर से भी दो क्वेश्चन आए हैं. जो सबसे पहला क्वेश्चन आया वो देख लेते हैं. व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, इन्होंने कार्डियक आउटपुट दिया है कितना, 5 लीटर दिया है. ओके, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 मिलीलीटर एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल इज 500 मिलीलीटर. ओके, और उन्होंने अब पूछा है हार्ट बीट कितनी होगी, 75 बीट्स या फिर 100 बीट्स, 125 बीट्स या 50 बीट्स पर मिनट होगी. ओके, तो अब हमें लगता है कि ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं. ओके, ऐसा कोई न्यूमेरिकल, तो देखिए ये एनसीईआरटी का ही है. जहाँ पे कार्डियक साइकिल है वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दैट जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम समझिए, स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, जो वेंट्रिकल पंप्स आउट करता है, जो वेंट्रिकल से जितना ब्लड निकलता है उसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम. तो देखिए डायस्टोल पे कितना था और सिस्टोल होने पे कितना हो गया, 50, तो बचा कितना, 50 जो मिलीलीटर ब्लड है वो आ गया हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी जो वेंट्रिकल से बाहर गया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. ये साफ साफ एनसीईआरटी में बोला गया है, इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम. आगे उन्होंने बोला है द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट गिव्स द कार्डियक आउटपुट, यानी कार्डियक आउटपुट अगर निकालना है तो हम जो स्ट्रोक वॉल्यूम आती है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, हार्ट रेट के साथ. ओके, तो देखिए हमें कार्डियक आउटपुट दिया है, कितना दिया है, 5 लीटर. 5 लीटर को आप कर लीजिए कितना, 5000 मिलीलीटर. ओके, और ये हमें कितना दिया है, 50. हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 50, और हमें निकालना क्या है, हार्ट बीट रेट ये निकालना है. तो अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 5000 को 50 से, तो आपका आ जाएगा कितना, 100. ओके, ये प्योर एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है. ओके, ये फार्मूला आपको बनाना पड़ता है जब आप पढ़ रहे हो, तो आपको अच्छे से समझना पड़ता है. इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड करिए आप. ओके, तो ये प्योर एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया है, 100 बीट्स पर मिनट. ओके, इस चैप्टर का जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे हमें मैच द कॉलम दिया हुआ है, कॉलम वन और कॉलम टू. ये जो क्वेश्चन है वो ECG वाला से है. ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. अब यहाँ पे देखिए इन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं, पी वेव, क्या हुआ RS कॉम्प्लेक्स, और टी वेव, और रिडक्शन इन द साइज ऑफ द टी वेव क्या होगा. तो देखिए बहुत सारे इसमें एनसीईआरटी से दिया, पी वेव क्या होती है, तो पी वेव में साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा गया है द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया. तो जो हमारा 8 है वो किसके साथ मिल जाएगा, 4th के साथ, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. तो हमारा ए और डी में से होगा. सेकेंड इन्होंने बोला है QRS कॉम्प्लेक्स, तो QRS कॉम्प्लेक्स भी एनसीईआरटी से है. द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, तो वो क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा, तो फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा. ओके, अब इन्होंने सी बोला है टी वेव, तो ये भी प्योर एनसीईआरटी में है. टी वेव में उन्होंने बोला है द एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट, यानी रीपोलराइजेशन किसका, वेंट्रिकल का, तो रीपोलराइजेशन हो जाएगा वेंट्रिकल का. तो डी हमारा चला जाएगा किसके साथ, सेकेंड के साथ, सॉरी सी. अब बचता है डी, द रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव, तो डी हमारा जो दिया है वो क्या दिया है, कोरोनरी स्केमिया दिया है. ओके, तो यहाँ पे जो है वो डी हमारा आएगा थर्ड के साथ. क्यों आएगा, देखिए हमारा ऑप्शन तो आ जाता है डी. अब देखिए ये इतने 3 पॉइंट तो दिए हैं एनसीईआरटी से, 1 पॉइंट दिया है एनसीईआरटी से बाहर से, और वहीं से आपका आंसर जो वो गलत हो जाता है, या तो आपका ए या डी. ओके, तो ऐसा क्यों होता है, देखिए रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव में कोरोनरी आइस्केमिया का मतलब क्या होता है, कोरोनरी स्केमिया का मतलब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है,
तो जो टी वेव जितना ऊपर जाना चाहिए उतना ऊपर नहीं जाता है ईसीजी के अंदर। ओके, इसका मतलब है बॉडी के अंदर क्या हो चुका है, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो चुकी है, उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोनरी स्केमिया बोलते हैं। ओके, आपका अब हम आ चुके हैं 19 चैप्टर के क्वेश्चन के अंदर। तो 19 चैप्टर से भी इसमें दो क्वेश्चन आए हैं। चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूराइन, यानी इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कंसनट्रेटेड यूराइन को फॉर्म करने के लिए मदद करता है। चार ऑप्शन दिए, पहला दिया है मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टीशियम इन द किडनी, बी इन्होंने दिया है सीक्रीशन ऑफ इराइथ्रोपोइटन बाय जक्स्ट्रा ग्लोमुलरस कॉम्प्लेक्स, सी दिया है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, और डी दिया है लो लेवल ऑफ एंटी डायरोटिक हॉर्मोन। क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी से ही है। जहाँ पे कंसनट्रेटेड ऑफ यूरिन फॉर्मेशन वहाँ पे जब आता है टॉपिक में, तो 296 पेज पे यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, एन इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी दैट इज फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोलीटर पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मिली ऑस्मोलीटर इन द इनर मेडुला। तो ये वाला जो है वो हाइपर ऑस्मोलिटी जो है, इंक्रीज ऑस्मोलिटी हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलिटी। यही क्या करता है, कंसनट्रेटेड यूराइन फॉर्मेशन करने में मदद करता है। जो इस चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन है वो, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, यानी जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, तो वहाँ से हमें चार स्टेटमेंट दी गई उन्होंने। सबसे पहला बोला है नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, बी बोला है नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, सी बोला है रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, एंड डी बोला है रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे फिर आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए, बी या सी करेक्ट है, ए या डी करेक्ट है, सी डी करेक्ट है या ए बी करेक्ट है, ये इन्होंने पूछा है। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि अगर किसी के जो है वो हीमोडायलिसिस करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी खराब हो जाती है, हीमोडायलिसिस में क्या होता है, बोले नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो बॉडी के अंदर बनने लगता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये तो प्योर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट नाइट्रोजन वेस्ट जो है उसको बाहर निकाला जाता है हीमोडायलिसिस में। ओके, तो ये जो ऑप्शन सी और डी के अंदर है ये तो गलत हो जाते हैं। सेकंड इन्होंने बोला है नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, ये भी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है दैट जो एक्सेस पोटेशियम आयन होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से। ओके, जो डायग्राम बनाया है 10th की एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी है 10th की एनसीईआरटी है, डायग्राम बनाया गया पूरा हीमोडायलिसिस का, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, वहाँ पे बताया एक्सेस सॉल्ट वगैरह जो बाहर निकाले जाते हैं, तो पोटेशियम आयन जो है वो बाहर निकाला जाता है बॉडी से। ओके, सॉल्ट वगैरह, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, तो नहीं जी, एक्सेस पोटेशियम को भी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो बी स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो देखिए, ए और बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो तीन ऑप्शन होते हैं वो गलत होते हैं, इसका मतलब जो आपका सी और डी है वो करेक्ट है। कई बार जो है क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा दिया जाता है। देखिए, ये है तो एनसीईआरटी से ही, अब आपने ये जो सी और डी तो नहीं पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, पर आपने ए पॉइंट और बी पॉइंट तो पढ़ा हुआ है ना। ओके, तो आपको लगता है कि ये एनसीईआरटी से बाहर से है, लेकिन आपने ए और बी पॉइंट अगर पढ़ा हुआ है तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, 20 नंबर चैप्टर, यहाँ से भी दो क्वेश्चन आए हैं और दोनों के दोनों प्योर एनसीईआरटी से आए हैं। सबसे पहला पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, इनमें से कौन सा जो मस्कुलर डिसऑर्डर है वो इनहेरिटेड होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइस्थेनिया ग्रेविस, बोटुलिज्म या फिर टिटेनी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो डिसऑर्डर वगैरह लिखे गए हैं बिल्कुल लास्ट में एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे लिखा गया है दैट मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, और जो जेनेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा क्या, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये एक इनहेरिटेड है। ओके, तो ये प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। इस चैप्टर जो सेकंड जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ये कह रहे हैं जो आगे वाला स्टर्नम होता है उसके साथ वो जो अटैच होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि जो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब होते हैं ये फ्री होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो कहीं भी कनेक्ट नहीं होते हैं ये वेंट्रली, और ये कह रहे हैं कि जो स्टर्नम से कनेक्ट होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। बाद में लिखा हुआ है ईच रिब इज ए फ्लैट थिन बोन एंड आर ऑल द रिब्स,
ध्यान से समझिए, ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डोर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। ये कह रहे हैं जितनी भी रिब्स होती है वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और आगे स्टर्नम से कनेक्ट होती है। तो ये गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि अभी हम बता के आए 11th और 12th होती है वो आगे से कनेक्ट नहीं होती है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद एक बार सी को छोड़ते हैं, डी देखते हैं। यहाँ पे बोला 8th, 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टली जो है वो उसके साथ कनेक्ट होती है, बट ऐसा नहीं है, प्योर एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है द 8th, 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। ये साफ साफ एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, ये कह रहे हैं डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्ट होती है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो कहाँ पर लिखी गई है, एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई है, और तीनों की तीनों इनकरेक्ट है। अब बस है हमारे पास आंसर, तो हमें मिल चुका है। देयर आर 7 पेयर्स ऑफ वेट्रोबोरोस्टेरल, 3 पेयर्स ऑफ वेट्रोबोरोकोंड्रल एंड 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिम्स। अब देखिए वापस वही अभी हमने डिस्कस किया था वैसे ही, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखा गया, बट ये तीन स्टेटमेंट तो लिखी गई है ना, अगर आप तीन स्टेटमेंट निकाल लेते हो तो आपके पास सही आंसर मिल जाता है। तो है एनसीईआरटी से ही, बट क्वेश्चन जो है वो कैसे बिल्डअप किया गया है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 21 चैप्टर, इससे भी दो क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो नीट का मोस्ट फेवरेट है, आप ये समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन को लगभग 8 से 10 बार जो है वो AIPMT और नीट पूछ चुका है, इस क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम, मेडुला ओब्लोगांटा या सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस, यह 10th में भी है, 10th की NCERT में भी वहाँ पे आता है कि जो थर्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इस चैप्टर में भी है, NCERT में प्योर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बाहर से है, NCERT से बाहर से है, पहले ही बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ। ये बोल रहा है कि जो कॉर्निया होती है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। बी है कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज हाईली वेस्कुलराइज। सी बोला है कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई। और डी बोला है कॉर्निया इज एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनियस कवरिंग ऑफ द आई बोल। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, दैट कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई। अब आप पूछेंगे कि ये जो बाकी है ये गलत क्यों है, तो देखिए सबसे पहले इसीलिए द आउटर लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई बोल स्क्रेला कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये तो सही है, इन्होंने बोला है कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, बट ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाते, इन्होंने बोला है कैन रिपेयर इटसेल्फ, अपने आप ही रिपेयर कर लेते हैं, तो इसीलिए ये जो है गलत हो जाती है। यहाँ तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, पर रिपेयर इटसेल्फ जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट है कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। अब देखिए यहाँ तक स्टेटमेंट सही है, कॉर्निया कॉन्वेक्स होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बट हाईली वेस्कुलराइज्ड नहीं, नॉन वेस्कुलराइज्ड होता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इस तरह डी जो है कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनियस कवरिंग ऑफ द आई बोल, तो प्रोटीनियस नहीं होता है, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द आई बोल तो होता है बट प्रोटीनियस नहीं होता, इसीलिए स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है और आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल लास्ट चैप्टर में जो है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे भी मैच द कॉलम आया है, मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद द रिस्पेक्टिव डिजीज। सबसे पहले इंसुलिन, थायरोक्सिन, कोर्टिकोइड्स और ग्रोथ हार्मोन। तो जो इंसुलिन है यहाँ पे साफ साफ ये NCERT के अंदर लिखा गया है, जो इंसुलिन होता है वो कहाँ पे वर्क करता है, डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर वर्क करता है। किसके अंदर करता है, डायबिटीज मेलाइटिस। तो ए जो है वो 5th के अंदर, यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, बी और डी। थायरोक्सिन अगर कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज होती है, गोइटर डिजीज होती है, तो बी जो आ जाता है वो 4th का आपको आंसर आ चुका है, लेकिन आपको आगे बता देते हैं। कोर्टिकोइड्स जो होता है उसमें एडिशंस डिजीज होती है, NCERT का है प्योर, तो सी 1st के साथ। अगर ग्रोथ हार्मोन कि ज़्यादा हो जाए तो एक्रोमी गिलेगी, ये बिल्कुल सही है, तो जो डी है वो 3rd के साथ चला जाता है, तो इसीलिए जो आपका आंसर आ जाता है वो ऑप्शन बी आ जाता है। ओके, प्योर NCERT ही है, NCERT से बाहर नहीं है इस चैप्टर से। इन्होंने क्वेश्चन बोला है हाउ डज द स्टीरोइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी, जो स्टीरोइड हार्मोन होते हैं वो सेलुलर एक्टिविटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बाइंडिंग टू DNA एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। बी दिया गया एक्टिवेटिंग साइक्लिक AMP लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सी दिया गया यूजिंग एक्वापोरिन चैनल एज सेकेंडरी मैसेंजर एंड डी दिया गया चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्योर NCERT है, जहाँ पे चैप्टर बिल्कुल खत्म होने वाला होता है वहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया स्टीरॉयड हार्मोन बाइंडिंग टू द DNA एंड फॉर्मिंग ए जीनोम हार्मोन कॉम्प्लेक्स। तो ये ऐसे मदद करते हैं स्टीरॉयड हार्मोन जो ये इस तरह DNA के साथ बाइंड करके और फिर जो है वहाँ पे मसल्स के अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं।
ओके टिश्यू को। तो ये प्योर एनसीईआरटी है, ये चैप्टर से दोनों क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी से है। अब देखिए जो यहाँ पे अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन आए हैं जिसमें से 2 जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट जो बाकी 12 है वो प्योर एनसीईआरटी ही हैं। ओके तो अगर हम बात करें कि आप यहाँ पे पूरे फोकस कीजिए एनसीईआरटी पे, कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि अगली बार जो है अगले बार जब आप एग्ज़ाम देने बैठे तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी से बाहर से ना हो, सारे के सारे जो है वो प्योर एनसीईआरटी से हो सकते हैं। ओके तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।